प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं कवलजीत कौर, आप जी दी पंजाबी विषय अध्यापका, 11वीं जमात दे विद्यार्थियों लई रिश्ते नाटक, जो कि वर्तमान पीढ़ी दे नाटककार वरियाम मस्त द्वारा लिखा हुआ है, लेके हाजिर हां। इस नाटक विच नाटककार पंजाब विचों विदेशां विच जा रही नौजवान पीढ़ी अते किसानी दी आर्थिक मंदहाली नूं पेश करदा है। रिश्ते नाटक विच नाटककार ने दो सभ्याचारां दे फर्क नूं नाटक दा केंद्री विशा बनाया है। एक सभ्याचार मानवी कदरां कीमतां नूं आधार बनाउंदा है, जबकि दूजे विच सिर्फ पैसा अते निज स्वार्थ ही प्रधान हुंदा है, पर आखर विच जित मानवी कदरां कीमतां दी ही हुंदी है। रिश्ते नाटक सात पात्रा द्वारा किरिया होया है। बंता सिंह, जो कि घर दा मुखी है, प्रेमी बंता सिंह दी पत्नी है, मनिंदर घर दी नूह है, काला बंता सिंह दा पुत्र अते मनिंदर दा पति है, सुंदरबाणिया पिंड दा एक शाहूकार है, पीता बंता सिंह दा वड्डा मुंडा जो कि अमरीका तो वापस परतिया है, कैला पिंड दा ही एक अमली बंदा है। रिश्ते नाटक चार दृशां विच वंडिया होया है अते इस नाटक दा मुख विशा, जो कि नाटककार दसदा है कि इस नाटक विच नाटककार पंजाब विचों विदेशां विच जा रही नौजवान पीढ़ी अते किसानी दी आर्थिक मंदहाली नूं पेश करदा है। नाटक विचली मुख समस्या की है? इस नाटक विच नाटककार ने दो सभ्याचारां दे, एक पछमी सभ्याचार ते एक पंजाब दा सभ्याचार, उन्हां दे फर्क नूं नाटक दा केंद्री विशा बनाया है। एक सभ्याचार मानवी कदरां कीमतां नूं आधार बनांदा है, जबकि दूजा सिर्फ पैसा अते निज स्वार्थ ही प्रधान है, आखर विच जित मानवी कदरां कीमतां दी हुंदी है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दवेश्वर ने इस बारे लिखिया है कि रिश्ते नाटक दी समस्या साडी छोटी किसानी दी माड़ी आर्थिकता द्वारे केंद्रित है। अपनी आर्थिकता नूं सुधारन लई ओ अपनी जमीन आदि गहने रख के अपने पुत्रां नूं खटन कमाउण लई विदेशां विच भेजदे हन, परंतु खटन कमाउण गए इह नौजवान उन्हां मुल्कां दे मुल प्रधान विच विचरदे होए अपना पिछा भुल जांदे हन। मां बाप उन्हां दे डालरां दा इंतजार करदे हन तां जो गहने पई जमीन छुड़ाई जा सके अते सिर चढ़े कर्जे तो मुक्त होया जावे, परंतु जदों ओ नौजवान वापस परते हन तां अपने मां बाप दी आर्थिक सहायता करन दी बजाए रिश्तियां दी अहमियत भी भुल जांदे हन, सगों उन्हां कोलों जबरदस्ती अपने बाकी बचदे हिस्से दी मंग करदे हन। इस नाटक विच बंता सिंह एक साधारण किसान है। ओ अपनी जमीन गहने रख के अपने वड्डे पुत्र पीते नूं अमरीका भेजदा है तां जो ओ वध तों वध कमाई कर सके अते आर्थिकता दूर हो सके, पर पीता पछमी सभ्याचार दी चक्का चोंद विच गड़ूंद होया जदों वापस आंदा है तां इन्ना स्वार्थहीन बन जांदा है कि अपनियां दा निरादर करन तों वी संकोच नहीं करदा, ओह रिश्तियां दी अहमियत नूं भुल जांदा है। इस नाटक विच नाटककार ने इह वी दस्या है कि पैसे नालों मनुखी भावनावां जिहड़ियां ओह अज दे समें दी लोड़ समझी जांदी है। इस विच एक उदाहरण जो कि सुंदर बाणिए दी अते बंता सिंह दी नूह दी दसी गई है। मापे अपने रिश्ते दे फर्ज निभाउंदे होए करजाई हो जांदे हन, पर पीते वर्गे पुत्र कपुत्तर बन जांदे हन। उसनूं मां दी ममता नहीं जायदाद दा हिस्सा चाहिदा है, पर मनिंदर आज्ञाकारी नूह वजों रिश्ता निभाउंदी होई अपने सहुरे परिवार नूं सारा पैसा दे दिंदी है। इसे तरह सुंदर बाणिए नूं पैसा नहीं सगों बंता सिंह दी सलामती चाहिदी है। सो इस नाटक विच नाटककार ने ए भी दसन दी कोशिश कीती है कि किसान दी आर्थिक मंदहाली किस हद तक वध जांदी है। अमरीका गए
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਰਿਆਮ ਮਸਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।